नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर। इस वीडियो में मैं बस ये बताना चाहता था कि जिम के जो शब्द काम लिए जाते हैं उनमें एक शब्द आता है रैप, जिसकी फुल फॉर्म है रिपीटिशन। स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है रिपीटिशन, जिसे लोग छोटे में मतलब शॉर्ट में रैप बोल देते हैं। आपने काफ़ी बार सुना होगा लोग बोलते हैं यार मैंने इस एक्सरसाइज में एक सेट किया उसमें मैंने 10 रैप ही मार पाया यार, पिछली बार तो 12 मार लिए थे, इस बार तो एक सेट पे पहले पहले सेट में 10 ही रैप आए मेरे, 12 आ गए थे पिछली बार, तो इस तरीके की बात जो करते हैं। रैप का मतलब है आपने किसी एक मूवमेंट को कितनी बार किया, मतलब अगर आपको ऐसे ऐसे करने के कहा गया है तो उसको आपने लगातार कितनी बार किया। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक सेट है, मतलब आपने इसको लगातार कुछ बार किया एक बार में और इसको रख दिया वजन को, तो इसे इस पूरे को एक सेट कहते हैं। और ऐसा आप कई बार करोगे आराम कर करके तो उसे कई सेट कहेंगे, मतलब कई सारे सेट कर लिए आपने। इस सेट में जो आप एक बार ऐसे कर रहे हो, मतलब आप जो एक बार ऐसे कर रहे हो उसको रिपीटिशन कहते हैं, इसी को रिपीटिशन कहते हैं। तो आप ऐसा कहोगे कि अगर आपने एक सेट में 40 बार ऐसा किया था तो आप ऐसा कहोगे मैंने 40 रिपीटिशन किए एक सेट में। और उसको छोटे में लोग ऐसे बोलते हैं मैंने 40 रैप निकाले एक सेट में, 40 रैप किए एक सेट में, या रैप्स बोल देते हैं कितने रैप्स किए 40 रैप्स किए। और कोई ऐसा भी बोल सकता है कि मैंने 2 सेट किए, पहले सेट में तो मैंने 30 रैप किए, दूसरे सेट में मेरे से 18 ही रैप निकले, इस तरीके से। तो ये रैप हमने सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को समझ आ जाए कि सेट रैप वगैरह का क्या मतलब होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में मिलूंगा, बाय बाय।